विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है आत्मनिर्भर भारत क्या आप लोगों को पता है, है हमने अपनी सेवेंटी फिफ्ट एनवर्स रिपब्लिक डे में जो जेट सुराइ उसमें से या तो मोस्टली इंपोर्टेड है या तो कोलाब्रेशन के साथ बनाए गए हैं इंडिया में जो डिफेंस आइटम हम यूज करते हैं उसमें से ज्यादातर इंपोर्टेड होते हैं बट हमारे देश का डिफेंस एक्सपोर्ट दो में पंद्रह करोड़ से बढ़कर दो में आठ करोड़ का हो चुका है सिप्री के ट्वेंटी ट्वेंटी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तीन इंडियन डिफेंस कंपनीस टॉप हंड्रेड डिफेंस एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में आ चुकी है इंडिया में रिसेंटली मेजर चेंजेस किए गए हैं डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसीज में ताकि हम हमारा एम्बियस डिफेंस एक्सपोर्ट ऑफ रुपीजी पैंतीस करोड़ अचीव कर सके बाई ट्वेंटी नमस्कार दोस्तों तो मेरा नाम है दीपांकर और मैं पिछले आठ साल से एज अ कस्टमर एजेंट अपनी कंपनी के लिए पोर्ट पे ऑपरेशंस और कंप्लाइंस वाला पार्ट देख रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं स्केल पे जहां पर बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की और की। और एक्सपोर्ट की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडिया एक आम इंपोर्टर से आम एक्सपोर्टर बनने जा रहा है कौन सी नई प्राइवेट फर्म है जो आज की डेट में आम स... और एमिनेशन मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिया में और कौन से न्यू पॉलिसीज है जो हमारी गवर्नमेंट अपलाई कर रही है आर्म्स एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और अपने डिफेंस को प्रमोट करने के लिए और आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपडेट्स के लिए थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया अब तक एक मेजर डिफेंस इंपोर्टर की तरह देखा जाता था इंडिया, इंडिया इंपोर्ट के मामले में सऊदी अरेबिया के बाद सेकंड नंबर पर आता है हम अपनी जीडीपी का टू सिर्फ डिफेंस पे खर्चा करते हैं और ग्लोबल डिफेंस इंपोर्ट का फिफ्टीन सिर्फ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है फ्रांस रशिया यूनाइटेड स्टेट्स साउथ कोरिया और इजराइल से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं बट दो में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद गए टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर इन टर्म्स ऑफ आर्स एम्सो दो हज़ार चौदह में रिलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड ग्रांट ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसे कुछ मेजर पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हमारे देश से जो डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट होता है उसको बढ़ावा मिल सके बहुत सारी कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट भी ऑफर किया गया जो लाइन ऑफ क्रेडिट है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइन ऑफ क्रेडिट हम लोग कंट्रीज को देते हैं ये लाइन ऑफ क्रेडिट यूज करके कंट्रीज हमारे डिफेंस इक्विपमेंट इम्पोर्ट करते हैं यानी कि खरीदते हैं और वापस ये जो पैसा है घूमके हमारी इकोनॉमी में आ जाता है क्योंकि हम लोग इस टाइम पर जो है डेवलप कंट्रीज लाइक यूएसए फ्रांस यूके को थोड़ी टारगेट कर रहे हैं हम लोग इस टाइम पर टारगेट कर रहे हैं अपने आर्म्स एक्सपोर्ट्स के लिए लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अफ्रीका साउथ एशियन कंट्रीज एशियन कंट्रीज को क्योंकि यहाँ पे गेम जो था वो सारा सस्ते में क्वालिटी इक्विपमेंट देने का था चाइना भी ऐसे ही जीता है आज की डेट में चाइना डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में फिफ्थ रैंक पे आता है फिफ्टी से ज्यादा कंट्रीज को चाइना अपना डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है और दुनिया के टॉप टेन डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंपनीज में से तीन सिर्फ चाइनीज ही है चाइना सिर्फ सस्ते में आर्म्स सेमिन ही नहीं बेचता आज की डेट में चाइना आर्म ड्रोन फाइटर एयरक्राफ्ट स्मॉल एयरक्राफ्ट स्मॉल आर्म्स शिप्स यहाँ तक के मैसिव सबमरीस भी बेच रहा है और इनके सबसे बड़े खरीदार हैं एफ्रीका बांग्लादेश अल्जीरिया और हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान बात पता है कि इनके टोटल एक्सपोर्ट का 50 तो सिर्फ पाकिस्तान को ही किया जाता है जब से पाकिस्तान और अपने पुराने एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट तक देने से मना कर दिया है पाकिस्तान को उनके खराब होते हुए रिलेशनशिप के चलते मेक इन इंडिया की बात करें तो इंडिया इस टाइम पर टॉप कंट्रीज में आता है मिलिट्री स्पेंडिंग्स के मामले में यूनियन बजट इक्कीस बाइस में अराउंड फोर पॉइंट करोड़ या फिर बिलियन यूएसडी एलोकेट किया था डिफेंस को मेक इन इंडिया डिफेंस को प्रमोट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज में शिफ्ट किया है गवर्नमेंट ने एक इंडियन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसकी टोटल वैल्यू ओवर एक बिलियन यूएसडी है इससे हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगी इक्विपमेंट चीपली प्रोड्यूस होंगे और एक्सपोर्ट में कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ेगी सेल्फ रिलायंस को फर्दर बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रिसेंटली एक मिलिट्री वेपन और सिस्टम्स के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है इसके अलावा 101 आइटम्स को गवर्नमेंट पहले ही रिस्ट्रिक्शंस के लिस्ट में डाल चुकी है जैसे कि टोडिली आर्टिलरी गन्स, ट्रोल वहीिकल से कुछ इक्विपमेंट्स डी एप्विंटी ट्वेंटी डिफेंस एक्विजी प्रोसीजर आएम की इंडिजिन डिजाइन डेवलप्ड एंड मैनुफेक्चर एफडीआई कांड कर देना अंडर गवर्मेंट रूट ऑब्वियसली बहुत कुछ कर रहे हैं हम अपनी को अचीव करने के लिए और इसके रिजल्ट दिखाई देने लगे हैं हमने रिसेंटली आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मीडियम रेंज टू एयर मिसाइल जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स इंडिजनसली डिवाइड है और ये बिल्कुल एक्सपोर्ट रेडी है अब तक इंडिया में डिफेंस इंडस्ट्री का एटी परसेंट गवर्नमेंट बट रिसेंटली बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स हैं जो गवर्नमेंट के साथ जॉइंटली काम कर रही हैं और मैन्युफैक्चर कर रही हैं एयरक्राफ्ट सब मरीन एडवांस सिस्टम लिमिटेड टाटा पावर सेट रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड महिंद्रा महिंद्रा एरो जैसे कुछ प्राइवेट कंपनी है इस टाइम बहुत एक्टिवली इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है और डिफेंस के फील्ड में अपना योगदान दे रही है चाइनीज एक्सपोर्ट बहुत बड़े हैं बट साथ ही साथ दुनिया ने रिसेंटली चाइनीज एग्रेशन भी नोटिस किया है वो किस तरह से स्टेटस को चेंज करने में लगी हुई है किसी से छुपा हुआ नहीं है पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स को हटा दे तो चाइना को काउंटर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है विद इनक्रीज ऑफ चाइनीस इंडिया के पास अच्छा चांस है इंडो पैसिफिक में अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का और यह हो भी रहा है फिर चाहे वो ब्रह्मोस हो या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जिसको खरीदने के लिए बहुत सारी छोटी ही नहीं बड़ी इकोनमीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है इसके अलावा इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट के मामले में पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम ऑफ पेट्रोल वेसल्स ए हेलीकॉप्टर एलीकॉप्टर एसयूवी एवियनिक्स भारत रेडियो कोस्टल सर्विलियंस सिस्टम स्पेयर पार्ट ऑफ रडार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड लाइट इंजीनियरिंग मैकेनिकल पार्ट जैसे कुछ आइटम्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें तो इटली मालदीव श्रीलंका रशिया नेपाल मोरीशी इजिप्ट यूआई भूटान इथोपिया साउदी अरेबिया फिलीपीस पोलैंड स्पेन जैसे कुछ कंट्रीज़ को हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमने अराउंड सात मिलियन यूएस का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया है बिटवीन मार्च एंड डिस विथ हंड्रेड परसेंस एफ डी इन डिफेंस और पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज हमारा जो पांच बिलियन यूएसटी का डिफेंस का टारगेट है बाई ट्वेंटी वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और तो दोस्तों था मेरा टेक डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर किस तरीके से हम लोग डिफेंस इंपोर्टर डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की तरफ जा रहे हैं किस तरीके से हमारे डिफेंस सेक्टर जो है बहुत ज्यादा बूम कर रहे हैं इस टाइम किस तरह से इस टाइम पे हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी प्राइवेट फॉर्म्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी प्राइवेट फर्म को इनकेज कर रही है डिफेंस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा अगर आप लोग अब तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कंप्लाइंस वाले वीडियो या किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों